तिलंग बाणी भगता की कबीर जी। ए बाणी राग तिलंग विच गाण दी हिदायत दित्ती गई है अते ए बाणी भगत कबीर जी दी उच्चारण कीती हुई बाणी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक है, उस परमात्मा नू सतगुरु दी कृपा दे नाल प्राप्त किया जा सकता है। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। हे भाई वाद विवाद की खातिर वेदा कतेबा दे हवाले दे के वध गल्ला करन नाल मनुख दे अपने दिल का सहम दूर नहीं हुंदा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए। हे भाई जे तुसी अपने मन नू पलक भर वास्ते भी टिकाओ ता तुहानू सामना विच ही ओ रब दिसेगा। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। हे भाई अपने ही दिल नू हर वेले खोज, बहस मुबाहसे दी घबराहट विच ना पटक। एह जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी नाहीं रहाओ। ए जगत एक जादू जिहा है, ए एक तमाशा जिहा है। इस विचों व्यर्थ ही वाद विवाद दे राहीं हाथ पल्ले पैन वाली कोई शय नहीं है। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे। बेसमझ लोग धार्मिक पुस्तकां पढ़ पढ़ के इन्हां विच जो लिखिया है खुश हो के बहस करते हैं। हक सच खालक खलक म्याणे स्याम मूरत नाहे। पर ओ ए नहीं जानते कि परमात्मा खलकत बच भी वसदा है। ना वो वक्रा सत्तवें आसमान उत्ते बैठा है, ना ही वो परमात्मा कृष्ण की मूर्ति है। आसमान महाने लहंग दरिया गुसल करदन बूद। सत्तवें आसमान दे विच बैठा समझन दी थां हे भाई ओ परमात्मा रूप दरिया तां अंतहकरण विच लहरा मार रहा है। तू उस विच इसनान करना सी। कर फकर दायम लाए चश्मे जय तहां मौजूद। सो तू सदा उस दी बंदगी कर, ए भगती दी ऐनक ला के वेख ओ हर थां विच मौजूद है। अल्लाह पाकन पाक है सक करो जे दूसर होए। ओ रब सब तो पवित्र हस्ती है, उस तो पवित्र होर कोई नहीं है। इस गल विच मैं तां ही शक करां जे उस रब वर्गा कोई होर दूजा होवे। कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए। हे कबीर इस भेत नूं ओ मनुख ही समझ सकदा है जिस नूं ओ समझन योग बनांदा है। अते ए बख्शिश उस बख्शिश करन वाले दे अपने हाथ विच है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।